देशभक्त चैनल में आपका स्वागत है। आज बरोदा हल्का के बिचपड़ी गांव में शिलान्यास कार्यक्रम आचार संहिता के चलते कृषि मंत्री ने स्थगित कर दिया गया है। कृषि मंत्री ने कहा कि बीजेपी कानून बनाने वाली पार्टी है, न कि तोड़ने वाली। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल बरोदा हल्का के बिचपड़ी गांव में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए लगभग 28 विकास परियोजनाओं का शिलान्यास करने के लिए आना था, परंतु चुनाव आयोग के द्वारा बरोदा उपचुनाव की तिथि घोषित कर देने के बाद आचार संहिता लागू हो गई थी, जिसके चलते कृषि मंत्री जेपी दलाल ने सभी परियोजनाएं स्थगित कर दी गई हैं। मंच पर कृषि मंत्री जेपी दलाल, राय से विधायक व जिला अध्यक्ष मोहनलाल बडोली, पहलवान योगेश्वर दत्त, ओम प्रकाश शर्मा, रणधीर सिंह लठवाल, अन्य बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद रहे। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि आचार संहिता के चलते हम किसी भी परियोजना का शिलान्यास नहीं कर सकते। भाजपा पार्टी कानून बनाने वाली पार्टी है, न कि तोड़ने वाली पार्टी। इसलिए मैं यहाँ मंच पर खड़े होकर इसकी घोषणा करता हूँ कि सभी परियोजनाएं स्थगित की जाती हैं, और आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूँ कि अब की बार जात पात से ऊपर उठकर बरोदा हल्के के लिए मतदान करें। भारत माता की। मेरे यहाँ के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के भाई मोहन लाल, बड़ा ऐतिहासिक आज का कार्यक्रम था। मैं आपको बताने जा रहा था कि पिछले 2-3 महीने में इस हल्के के जितने काम मंजूर हुए हैं, जितने प्रोजेक्ट मंजूर हुए हैं, इतने शायद ही कभी हुए हों। पिछले 50 साल का रिकॉर्ड हमारे मुख्यमंत्री जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, हरियाणा सरकार ने तोड़ दिया। आपके यहाँ जबरदस्त IMT बनेगी, आपके यहाँ एक्सप्रेसवे निकल रहे हैं, आपके यहाँ जो इसका मिल का सर, इसका धान का मिल है वो निकल रहा है, बनेगा यहाँ पर। ये सब चीज मंजूर हो चुकी है, घोषणाएं भी हो चुकी है। सैकड़ों करोड़ रुपए की पीने के पानी की योजनाएं हो की घोषणा हो चुकी है, और नहरों की पानी की समस्या थी उसके काम हो चुके हैं। पंचायतों में 60-70 करोड़ रुपए पहले जा चुके हैं, और PWD के रोड की, मार्केटिंग रोड के रोड की आपके 56-57 काम है हल्के के अंदर। एक भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें करोड़ों रुपए की घोषणाएं ना हुई हो। मैं सौभाग्य से आपके सामने ये बताने के लिए आया हूं, और हमारा ये सारा आज कार्यक्रम था। ये 30-35 और जो 70-80 करोड़ रुपए की घोषणाएं थी, इनका शुभारंभ करने का यहां उतरते मैं गाड़ी से आया, मुझे पता लगा कि भाई चुनाव की घोषणा हो चुकी है, इसलिए मैं ये सारे कार्यक्रम अपने स्थगित करता हूं। मैं शिलान्यास के कार्यक्रम अब नहीं करूंगा, क्योंकि कानून का ये उल्लंघन होगा, और भारतीय जनता पार्टी कानून मानने वाली पार्टी है, कानून तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। अभी जो हमारे मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम था, आपको संबोधित करने का ये कैमरा लगा, ये वीडियो लगा रखा था। मुख्यमंत्री जी का भी मेरे पास फोन आया था, मैंने उनको मना कर दिया है। मुख्यमंत्री जी ने सहमति दे दी है, क्योंकि आचार संहिता लग चुकी है, इसलिए वो भी आपको संबोधित नहीं करेंगे। मैं तो एक चीज कहता हूँ लोगों, खूब सोचो, खूब विचारो और खूब फैसला करो कि बरोदा का भला किस चीज में है, गांव बिचपड़ी का भला किस चीज में है, बोहाना का भला किस चीज में है। छोटी सी बात मैं आपको कह के लंबा चौड़ा भाषण नहीं दूंगा आज मैं। आज से 30-40 साल पहले गुड़गांव में एक फैक्ट्री लगी थी मारुति की, करोड़ों रुपए की योजनाओं का शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा होना था, और मैं चंडीगढ़ से चाल के उसकी व्यवस्था देखनी थी। यहाँ आगे मुझे पता चला कि आचार संहिता लग चुकी है। मैंने मुख्यमंत्री जी से संपर्क किया और जो कार्यक्रम करना था उसको स्थगित कर दिया। लोग जो आ रहे क्षेत्र के आए हुए थे उनसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी कि भी आचार संहिता लग की वजह से हम जो ना तो शिलान्यास कर रहे हैं और ना ही कोई घोषणा कर रहे हैं, इतनी सी बात कह के। और पिछले दिनों के अंदर सैकड़ों करोड़ रुपए की योजनाएं यहाँ दी हैं, और बरोदा हल्के का, गोहाना क्षेत्र का जबरदस्त विकास होगा, ये हमें पूरी पूरी उम्मीद है। और हमें आशा है कि इस बार जो गोहाना और बरोदा और आसपास के इलाके विकास कराने के लिए बरोदावासी जो है हमें आशीर्वाद देंगे। सर, देश अब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।